हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक चैनल टॉक ऑन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कर दें लाइक। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। आज हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे अपने गूगल अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ स्टेप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने गूगल अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हैक होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए जिससे आपका अकाउंट सिक्योर रहे, कोई आपके अकाउंट में इंटरफेस ना कर सके। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप ये है कि आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना चाहिए। सिंपली आपको गूगल ऐप ओपन करना है, फिर साइड में आ रहे आइकन पे आपको क्लिक करके मैनेज योर गूगल अकाउंट पर चले जाना है। फिर आपको सिक्योरिटी में जाना है, जैसा कि आपने साइड स्क्रीन पर देख लिया होगा। फिर आपको उसमें जाना है टू स्टेप वेरिफिकेशन पे, जहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना होगा, फिर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड क्रोम में सेव ना हो, तो आपको सिंपली साइड में आ रहे आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। फिर आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाके उसे ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स, आपको थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका डेटा चोरी हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको अपना पासवर्ड किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका डेटा चुरा लेता है। फ्रेंड्स, हम रोज़ाना कई सारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और कई सारे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डिफरेंस देखना चाहिए कि यहाँ पे आपको HTTPS और HTTP का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। फ्रेंड्स, HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जिन भी वेबसाइट्स के आगे HTTP लिखा रहता है, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, आपको इन वेबसाइट्स पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहिए। आपको इन वेबसाइट्स पर कार्ड डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, HTTPS वेबसाइट सिक्योर होती हैं और HTTP वेबसाइट अनसिक्योर होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको फिफ्थ स्टेप में बताया था, किसी भी अननोन पर्सन के साथ आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, अगर कोई अननोन पर्सन आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड को जानता है, तब भी वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, उसे जीमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए होगी। फ्रेंड्स, आपके पास एक सिक्योरिटी अलर्ट मेल आएगा, जिसमें आप उसे परमिशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं लॉगिन करने के लिए। फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्टेप जिन्हें आप फॉलो करके अपने गूगल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही टेक वीडियोस लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।